हजरात उलमाए किराम जिन्होंने मेहनत दिन रात मेहनत करके हमें दीन इस्लाम का सबक सिखलाया। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की ज़िंदगी के तीन मौके बड़े अहम बनाए हैं। जब बच्चे की पैदाइश का वक़्त आया तो उस वक़्त भी इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उलमा का मोहताज रखा कि उलमा ने आके तेरे बच्चे के कान में अजान कही। और दूसरा, इंसान की ज़िंदगी का वो लम्हा जब इंसान का इज़्दवाजी ताल्लुक, इंसान के निकाह और शादी का मौका आया, उस वक़्त भी तू मोहताज है कि उलमाए किराम ने आके तेरा निकाह पढ़ाया तो तूने अपने इज़्दवाजी ताल्लुकात कायम किए। तीसरा मौका, इंसान की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात के जब तेरी और मेरी मैयत बिस्तर पे पड़ी होती है, जब तू तेरा और मेरा कफन में जिस्म लपेटा होगा, अगर उस वक़्त उलमाए किराम अगर जवाब दे दें कि हम आपके जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं, तो फिर आप पे क्या गुजरेगी? हजरात, खुदा का खौफ कीजिए, आज हमने मगरबी लोगों के पीछे चल के उलमाए किराम की इज्जत को खाक में मिलाना शुरू कर दिया है। अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, यही उलमा है जिन्होंने हमें अकीदा तौहीद सिखलाया, यही उलमा है जिन्होंने हमें बिदआत से बचाया, यही उलमा है जिन्होंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, अपने घर बार को छोड़ के रातें सड़कों पे बसर की। लेकिन फिर जब अगर किसी आलम दीन से कोई ऐसा मामला बन जाए तो अपनी ज़बानों को काबू में रखा करो। अल्लाह की कसम, यही उलमा है जब हमारे बड़ों के जनाजे पड़े होते हैं, इनकी आंखों में आंसू होते हैं, ये रब से दो दो रो रो के दुआएं करते हैं, अल्लाह इस भाई को माफ़ कर दे, ये हमारे लिए मेहनतें करें, ये हमारे लिए अपने बीवी बच्चे छोड़े। लेकिन जब हमें कोई ऐसा मामला उनसे हो जाए, अगर हमारे जलसे पर पाबंदी लग जाए, हुकूमत इजाज़त न दे, फिर हमने कभी नहीं सोचा कि उलमाए किराम से हमने वक्त लिया है, अब वादा खिलाफी हो गई, फिर हमें पर्चे नज़र आए। लेकिन अगर उलमाए किराम को कोई मजबूरी बन जाए, फिर हम बदजुबानी इस्तेमाल करें, अल्लाह की कसम हम ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोगों, आज वादा करो कि जो भी इंसान उलमाए किराम के ख़िलाफ़ बात करेगा, हम इंशाअल्लाह डट के उसका मुकाबला करेंगे। ये हमारे मोहसिन है कि जिन्होंने हमें अल्लाह का दीन सिखलाया है, जिन्होंने हमारे बच्चों की तरबियत दीनी मामलात पे की है। अगर किसी के वालिद का जनाजा पड़ा हो तो किसी प्रोफेसर को बुला के लाए, किसी बड़े इंजीनियर को बुला के लाए, लेकिन जवाब दे जाएगा, दुनिया के लोगों का एहतराम करने वालों, वो मालदार सभी पीछे हट जाएंगे। अगर मुसल्ला इमामत पे खड़ा हो के तेरे वालिद के लिए बख्शिश की दुआएं करेंगे तो यही उलमाए किराम करेंगे। मैं अपील करता हूँ कि कोई भी इंसान अगर उलमाए किराम से कोई ऐसा मामला हो जाए, उलमाए किराम से कोई बात हो जाए, तो खुदारा अपनी ज़ुबानों को कंट्रोल में रखा करो, इनके लिए दुआएं किया करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे उलमा की हिफाजत फरमाए, जो हमारे ईमान के भी मुहाफिज है और हमारे आमाल के अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के भी मुहाफिज है। हजरात, आज का ये प्रोग्राम यूट्यूब इस्लामिक कुतुबखाना से आप ये डाउनलोड करके सुन सकते हैं। अब इंशाल्लाह मैं बिला ताखीर दावते खिताब देता हूँ।